तो भाई सामने खड़ी है अपनी बजाज के NS200 2023 वाला मॉडल, जो मेरे भाई इस दिवाली में लेने के बारे में प्लान कर रहे हैं ना। ऑनरशिप रिव्यू, राइड रिव्यू, वो सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पे डाल दी हैं। तो आज इसके कुछ ऐसे 10 पॉइंट बताऊंगा जो आपको लेने से पहले जान लेने चाहिए। उसके अंदर अच्छी बातें, बुरी बातें, मिक्सचर बातें, ऑनर का एक अपना एक्सपीरियंस और मेरा खुद का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैं इतने टाइम से राइडिंग कल्चर में हूँ तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हमें भी हो जाता है गाड़ियाँ देख के। तो वही सारी चीज़ें हैं, 10 ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को जान लेनी चाहिए गाड़ी लेने से पहले। सबसे पहले अगर मैं इस गाड़ी की बात करूँ ना, तो डिसएडवांटेज की तरफ मैं जाता हूँ, जो लोगों को देखना ज़्यादा पसंद होगा, क्योंकि अच्छाइयाँ तो हर कोई बता देता है, डिसएडवांटेज ऐसे हैं जो बहुत कम लोग बताते हैं। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहला जो इसका डिसएडवांटेज है, जो हमेशा से रहा है, मतलब RS का और NS का हमेशा से रहा है, वो है भाई ये छोटे छोटे टायर। देखना भाई, तो आगे आपको 100 सेक्शन का टायर मिलता है, और चलो आगे तो समझ आता है, वो भी नॉन रेडियल है यार, ऊपर से इतनी 200 सीसी का इतना पावरफुल इंजन, उसके बावजूद भी आगे वाला टायर इतना छोटा। पीछे वाला टायर की बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं भाई कमी खलती है कि इसके अंदर एटलीस्ट 140 तो होता, और 140 ना भी हो तो कम से कम एटलीस्ट रेडियल तो होता। TVS की जो अपाची आती है ना भाई, RTR, उसके अंदर भी रेडियल टायर आता है, तो इसके अंदर नॉन रेडियल टायर है, ऊपर से इतने छोटे छोटे टायर हैं, तो जो कम्फर्ट है ना या चलाने का जो कॉन्फिडेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं आ पाता राइडर को। आप सोचो लीन करूं मैं इससे, आप सोचो कि मैं अचानक से इसको मैं भगाने लग जाऊं। कई बार क्या होता है ना, अगर आप तेज थ्रॉटल करते हो ना तो उसका व्हील स्पिन हो जाता है, मतलब समझ रहे हो कि जो टायर है वो गाड़ी की पावर झेल ही नहीं पा रहे। ये कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत से ही कमी रही है RS के और NS के अंदर, कि टायर कंपनी कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इतने छोटे दे देती है कि राइडर का जो मज़ा है ना वो बहुत कम हो जाता है। तो ये एक चीज़ पहले आप लोग जान लेना। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूं, आप ये वाले इंडिकेटर देख के भाई थोड़ा सा मेल्ट मत हो जाना, ये भाई ने अलग से लगवाए हैं, 2200-2300 रुपये का ये पेयर है, मतलब दो पेयर हैं, पीछे वाले भी लगे हुए हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये रहे पीछे वाले भी LED इंडिकेटर लगे हैं। पर अगर आप लोग लेने जाओगे ना तो आपको यहाँ पे एकदम बड़े बड़े हेलोजन इंडिकेटर मिलेंगे, जो आज के टाइम पे भाई जितनी भी गाड़ी है ना, सारी की सारी गाड़ियाँ आपको LED सेटअप दे रही हैं, ऑल LED सेटअप। इसके अंदर LED के नाम पे भाई जीरो, कुछ नहीं आता भाई, कुछ भी। इंडिकेटर देख लोगे वो भी हेलोजन आते हैं, मेन लाइट देख लोगे, हेडलैम्प देख लोगे, वो भी भाई LED नहीं आता, पीछे लाइट्स देख लोगे, बैकलाइट, वो भी हेलोजन आती है। तो मतलब LED के नाम पे इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल देना कि आपको इसके अंदर ऑल LED सेटअप मिलने वाला है, या इंडिकेटर जो है वो आपको LED मिलने वाले हैं, वो नहीं मिलेंगे, आपको हेलोजन मिलेंगे। आप ये वाला इंडिकेटर बाहर से लगवा सकते हो, जो पर्सनली दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और इस गाड़ी पे थोड़ा सा सूट भी करते हैं, तो वो एक चीज़ है। नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं, वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए देखो डिसएडवांटेज होगा, कुछ लोगों के लिए नहीं होगा, मैं आपको दिखा देता हूं लाइव नमूना। ये देखो, देखना बहुत हल्के हाथ से दबा रहा हूँ मैं, ये देखना क्या है ये भाई ये इसका एक प्लस पॉइंट भी मैं बता देता हूँ, अगर गाड़ी गिरती है ना तो ये भाई एकदम सॉफ्ट मटेरियल होता है, तो ये बैंड हो जाता है पर ये टूटता नहीं है। पर अगर मैं अपना एक देखने के हिसाब से मैं बताऊं, या कोई अगर किसी गाड़ी से कंपेयर करा जाए, तो उसके मामले में तो भाई ऐसा लगता है कि गाड़ी में बहुत दबा के गोश्त कटिंग की गई है। तो ये चीज़ अगर किसी गाड़ी से कंपेयर करते हैं ना तो ये कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। और पीछे वाला एक सेक्शन मैं आपको दिखाता हूं, लाइक इसमें कोई बुराई नहीं है, पर एक बार गौर से आप लोग नोटिस करना, इसका ये जो RS और NS है ना, इसके पीछे वाला मरकट हमेशा पता नहीं कंपनी टेढ़ा ही क्यों देती है, जिसकी वजह से लगता है कि हमारे कहीं ऊपर वाला पोर्शन तो टेढ़ा नहीं है, कहीं गाड़ी तो लैग नहीं खा रही। बस लैग वैग ऐसा कुछ नहीं है, ना गाड़ी टेढ़ी है, बस ये जो पीछे वाला मरकट है ना, ये कंपनी ने मतलब इनके जितने भी प्रोडक्ट हैं NS के, चाहे BS3 वाला हो, BS4 वाला हो, BS6 वाला हो, BS7 वाला हो, सब वेरिएंट में ये दो चीज़ें ऐसी छोड़ रखी हैं जो मतलब बहुत बुरी लगती हैं। मन करता है कि यार कम से कम इनको तो थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग 1000 रुपये ऊपर एक्स्ट्रा ले लेते, पर ये दो चार चीज़ें अच्छी कर देते। फिनिश एंड फिटिंग भी इतनी खास ज़्यादा अच्छी नहीं है। NS में तो आपको फिर भी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी, ये पैनल गैप बहुत ज़्यादा कम कर दिए, पर RS के अंदर ये दोनों ही चीज़ें बढ़ा रखी हैं, तो ये चीज़ वाइब्रेशन का कारण बनती है, तो वो चीज़ आप लोग देख लेना। नंबर फोर्थ पॉइंट की बात करूं, वो आप लोगों को भाई सिटी में अगर आप डेली मतलब चलाते हो, जैसे आप जब मैं अपने घर के पास हूँ, अगर आप ऐसी जगह पे डेली चलाते हो तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जैक्ट मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, आप लोग देख लेना, पर भाई बहुत ज़्यादा कम है। और आपका काम है अगर हमेशा प्लेन के साथ चलना तो भाई ये गाड़ी हमेशा लगने वाली है, क्योंकि दिल्ली में क्या होता है, या मतलब लोकल में क्या होता है, लोग अपने मन से भी कोई सा भी ब्रेकर, कोई हाइट नहीं देखते, कोई कुछ नहीं देखते, अपने हिसाब से ब्रेकर बना लेते हैं। तो ये गाड़ियाँ ना नीचे से जब लगती है ना तो बड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा कम है। और हमारे एक RS वाले भाई हैं, उनका अंडरबेली में छेद भी हो गया था इस वजह से, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऊपर नीचे होती। चलो अब कंपनी ने किसी रीज़न से दिए, पर हाँ ये एक डिसएडवांटेज तो आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलने वाला है। अब वन ऑफ द लास्ट इसका डिसएडवांटेज जो बहुत लोगों ने फेस करा है, और हमने खुद ने फेस करा है, RS हमने सर्विस कराई थी, हमने तब भी फेस करा था, कि वो बजाज का जो आफ्टर सेल है ना वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब मैं कैसे बताऊँ, जैसे हमारा एक दोस्त है RS वाला, वो अपनी बाइक सर्विस कराने गया,
उससे भाई बाइक धोने तक के पैसे ले लिए, उसने पहली सर्विस कराई थी फ्री में, उससे भाई पता नहीं किस चीज़ का चार्ज करा उन्होंने, उससे भाई क्या नाम है शैम्पू के अलग पैसे ले लिए, कपड़े के अलग पैसे ले लिए, और उन शैम्पू से उसने तीन तीन चार चार बाइकें धोई तो 150-200 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए। चलो वो चीज़ें समझ आती है, कोई बात नहीं, पैसा ले लिए समझ आता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गाड़ी के अंदर ख़राब हो जाती है ना, सर्विस सेंटर वालों को पता ही नहीं भाई, उल्टी सीधी चीज़ें खोल देंगे, आपकी गाड़ी पूरी खोल के रख देंगे, फिर बोलेंगे अरे ये पार्ट्स तो आया नहीं है, ये तो दिक्कत है, ये तो वो है, फलाना ढिकाना, वो मतलब नकारते हैं, एक दूसरे पे काम सौंपने वाली चीज़ें करते हैं। और भीड़ हमेशा इतनी रहती है क्योंकि इंडियन ब्रांड है, लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन गाड़ियों को लेना, तो थोड़ा सा समय निकाल के जाना चाहिए, 5-6 घंटे आराम से लग जाते हैं, तो वो एक चीज़ देख लेना। तो ये 5 डिसएडवांटेज है, कोई बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ें ईजीली हैं, हर गाड़ी में मिलती हैं, तो फिर उन लोगों के लिए बेस्ट है, और जिन लोगों को लगता है कि थोड़ा सा मतलब दिक्कत वाली बात है तो लेट गो कर सकते हो। अब थोड़ा सा एडवांटेज की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि इस गाड़ी ने अपना कम से कम 7-8 सालों से अभी भी ऐसा अपना एक दबदबा बना रखा है, जो लोग कभी भी गाड़ी लेने जाते हैं ना तो इन दोनों गाड़ियों को हमेशा प्रेफरेंस में रखते हैं। अगर आप 200 सीसी की गाड़ी देख लो, सबसे पहला इस गाड़ी के बल्कि लुक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। अब बहुत लोग बोलेंगे भाई 7-8 सालों से चेंज नहीं आया, कुछ नहीं आया, पर मैं जो बता दूं, जो बजाज लवर है ना, वो एनएस और आरएस को इसी पोर्शन में या इसी मतलब लुक्स में देखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि इसके अंदर कोई कारिस्तानी हो, जिस वजह से ये 7-8 सालों से ऐसी कंटिन्यूसली एज इट इज़ चलते हुए आ रही है। दूसरी चीज़ एक बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा पावरफुल आपको इंजन मिल जाएगा, बजट अगर मैं मान लो 1,74,000 रुपये की ये गाड़ी आती है, मुझे नहीं लगता कि इससे पावरफुल इंजन या इसके जितना पावरफुल इंजन आपको इस बजट में मिलने वाला है। आप किसी भी ब्रांड में चले जाओ, यामा चले जाओ, होंडा चले जाओ या टीवीएस चले जाओ, इतना पावरफुल इंजन आपको कहीं नहीं मिलने वाला। 200 सीसी का इंजन आपको मिलेगा, 24 की बीएचपी मिलेगी, 18 का एनएम मिलेगा, तो मतलब और क्या ही चाहिए। एक चीज़ और कंपनी ने बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी है, वो है भाई इस गाड़ी के ऊपर वाइब्रेशन और हीटिंग इशू। तो ये दोनों चीज़ें पहले बहुत आया करती थी, अब बिल्कुल नहीं आती हैं, तो ये एक चीज़ भी बहुत अच्छी हो गई कि वाइब्रेशन और हीटिंग इशू पे डेफिनेटली काम गया है। पावर ऐसी है कि आप आरएस तक को पछाड़ सकते हो, आरएस जो इन्हीं की साथ की है, इन्हीं की बहन है, तो आप उसको भी पछाड़ सकते हो इनिशियल में। इससे टॉप एंड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर दिया, ये एक चीज़ पावरफुल होने की इसकी निशानी है, वो चीज़ आप लोग देख लेना। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है भाई गाड़ी का कम्फर्ट, क्योंकि जो लोग सिटी में चलाते हैं ना, थोड़े से एजिड हों या थोड़े से हेल्थियर साइड हों या डेली मतलब सिटी में ज़्यादा उनका रनिंग है, तो उन लोगों के लिए भाई कंफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा मायने रखता है। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं भाई, बहुत अच्छा कंफर्ट मिलने वाला है। ये देखो कुशनिंग, देखो ये देखो कंफर्ट आप लोगों को बहुत अच्छा मिलेगा। आप इससे टूरिंग करो, आप डेली सिटी में इसको 200-300 किलोमीटर चलाओ, ना आपके बर्ड्स में पेन होगा, ना आपके रिस्ट में पेन होगा, ना आपके कहीं पे भी शोल्डर वगैरह में बैक पेन, कहीं भी कुछ नहीं होने वाला। कंफर्ट आप लोगों को एक नंबर मिलने वाला है। दूसरी चीज़ साथ ही साथ अगर आप पिलियन के साथ भी चलते हो ना, तो भी आपको बहुत अच्छा कंफर्ट आएगा, ना कोई पावर ड्रॉप वाली चीज़ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जो लोग कंफर्टेबल एक पावरफुल बाइक देख रहे हैं ना विद गुड लुक्स, तो आप इसकी तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि अगर पहाड़ों वहाड़ों में इसको लेके जाते हैं तो वहाँ पे ये गाड़ी भाई सोने पे सुहागा वाली बात है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती है। तो ये एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। अब लोगों के मन में एक चीज़ बहुत आएगी कि यार गाड़ी चलो सस्ती है, सर्विस में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, क्या ये एक्चुअल में बजट फ्रेंडली है या नहीं है? क्योंकि सस्ती है वो तो समझ आता है, उसके बाद के खर्चे देखे जाते हैं। उसके बाद के भी मैं भाई खर्चे बता दूं, आप चाहे इसका आगे वाला डिस्पैच डलवा लो, पीछे वाला डिस्पैच डलवा लो, बॉडी पार्ट्स लेने चले जाओ, लाइट्स डलवा लो, क्लच प्लेट डलवा लो, चैन सेट डलवा लो, सारे की सारी चीज़ें आपको भाई बजट में मिल जाएंगी, बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं मिलने वाली है, सब एकदम कह सकते हो ना बजट फ्रेंडली, जो आपकी पॉकेट पे भी ज़्यादा इफेक्ट ना करे, वो सारे इसके बॉडी पार्ट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आप दुकान से लेना चाहो, किसी भी दुकान से इसके इजीली पार्ट्स मिल जाएंगे, आप शोरूम से लेना चाहो तो वहाँ पे भी इतने महंगे नहीं मिलेंगे। तो अगर बजट फ्रेंडली कंपनी कहती है तो एक्चुअल में ये बजट फ्रेंडली थोड़ी तो है, जहाँ पे हमने इस गाड़ी की फर्स्ट सर्विस कराई थी। अब सोचो 200 सीसी की गाड़ी जिसकी सिर्फ 750 रुपये में सर्विस हो रही हो, जिसके अंदर हमारा इंजन ऑयल भी डला, ऑयल फिल्टर भी डला, एयर फिल्टर भी डला, कूलेंट भी टॉपअप हुआ, तो 750 रुपये में 200 सीसी की गाड़ी सर्विस होना तो एक्चुअल में बजट फ्रेंडली है। तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी लगती है कि अगर हाँ बजट में गाड़ी मिल रही है, उसके बावजूद भी गाड़ी ज़्यादा खर्चा नहीं करा रही। चलो जो मेरा मेन थॉट था वो यही था कि जो सिटी में ज़्यादा चलाते हैं या जॉब के पर्पस से ले रहे हैं या एक बजट फ्रेंडली बाइक ले रहे हैं विद पावरफुल इंजन एंड गुड लुक्स, तो उनके साथ साथ वो लोग माइलेज भी देखते हैं, क्योंकि सिटी में जो इंसान ज़्यादा चलता है, जिसकी ज़्यादा रनिंग है, उसकी जेब पे भी थोड़ा इफेक्ट ना आए, ये कंपनी ने अच्छा खासा ध्यान रखा है। माइलेज की अगर बात करूं भाई, पहले वाली एनएस और आरएस इतनी अच्छी माइलेज नहीं दिया करती थी, कंपनी ने भाई पता नहीं कैसे इंजन को रीट्यून करा कि ना वाइब्रेशन आती, वाइब्रेशन भी एकदम ना के बराबर हो गई, हीटिंग इशू भी बहुत अच्छा सुधार दिया, और माइलेज भाई 40 प्लस से इस गाड़ी का ओनर माइलेज निकाल रहा है। ओनरशिप वीडियो में आपने देखा होगा, आरएस जो है, जो हमारी हिमांशु वाली आरएस है, उसमें भी भाई 40 प्लस की माइलेज मिल रही है। तो 200 सीसी की गाड़ी जो 40 प्लस का माइलेज दे रही है,
तो इससे अच्छा और क्या ही लोगे, इससे बेटर ऑप्शन अगर आपकी नज़र में कोई हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। हाँ, इनके कॉम्पिटिटर में ZMR जरूर आ गई है, पर अभी थोड़ा सा मैं बजट वाली बात कर रहा हूँ, 1,74,000, तो ये तो अभी टॉप नॉच रहने वाली है। तो माइलेज की चीज़, माइलेज वाली बात भी इसके अंदर एक अच्छी हो जाती है। थोड़ा सा अब जब आए हैं तो इसकी ब्रेकिंग पे भी आ जाते हैं। पहले वाली NS जितनी भी थी उनके साथ मेरे को ऐसा लगता था कहीं ना कहीं सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ होता है, क्योंकि वो वाली गाड़ियाँ 160 भी चली जाती थी, ऊपर से बहुत पावरफुल वो गाड़ी हुआ करती थी, तो साथ साथ ना उसके अंदर सेफ्टी को लेके थोड़ा सा ऐसा लगता था कि 19-20 वाला फासला है, क्योंकि तब आया करता था गाड़ी के अंदर सिंगल चैनल ABS, और उसके अंदर भाई ये आप देख रहे हो ना गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ये भी नहीं आया करता था। अब इसके अंदर देखो सेमी डिजिटल हो गया, बहुत सारी काम की चीज़ें आ गई हैं, ओडोमीटर आ गया, गियर शिफ्ट इंडिकेटर आ गया, लगे थर्ड गियर में लगी हुई है। तब आया करता था भाई सिंगल चैनल ABS, तो पीछे वाला नॉन ABS रहा करता था, तो आगे वाला ABS रहा करता था, तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लोगों को ब्रेकिंग पे नहीं आया करता था। और अब क्या है भाई, आपके सामने ही है जो भी है, ब्रेकिंग की भाई जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। RS और NS में थोड़ा सा वेट ज़्यादा है ना, 159 kg के अप्रॉक्स है ये, तो वेट ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। मोस्टली जो स्पोर्ट्स गाड़ियाँ ना उनकी पीछे वाली ब्रेकिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, पर इसकी भाई पीछे वाली भी ब्रेक बहुत अच्छी है, आगे वाली ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है, तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि ब्रेकिंग एक नंबर टॉप नॉच कर दी। ब्रेकिंग के मामले में आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। डिस्पैच भी वैन भाई 400-400, 300-300 रुपये के बहुत सस्ते हैं। सस्पेंशन की बात करूं तो USD सस्पेंशन इसके अंदर दे दिए, तो पहले जो धचकी वगैरह लगा करती थी ना, अब वो भी सारी खत्म हो गई हैं। गड्ढे जो हैं जो नीचे से नीचे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, राइडर के ऊपर तक आ ही नहीं पाते। तो ये कुछ 10 पॉइंट थे जो आपको लेने से पहले भाई NS के बारे में जान लेने चाहिए। और बस करते हैं इस वीडियो को एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।